नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे है भाई सब लोग? हरा मेरे भाई, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का हमारा जो चैप्टर है, आज फ्राइडे है और मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे को मैं एक बढ़िया सी थ्योरी लेके आऊंगा और आज की हमारी जो थ्योरी है वो मोशन वाले चैप्टर से है। बच्चों, आप लोग इसको कई सारे नामों से और जानते हो, बहुत सारे लोग इसको मोशन बोलते हैं, है ना, कुछ लोग इसको काइनामेटिक्स बोलते हैं जिसको आप हिंदी में शुद्ध गति बोलते हो, बहुत सारे लोगों के पास इसका नाम स्पीड एंड वेलोसिटी होता है, लेकिन अल्टीमेट ये होता पूरा मोशन ही है। आप ये मान के चलो आज का जो लेक्चर हो रहा वो लगभग 2 घंटे का हो रहा और जितने भी बच्चों को इस वाले चैप्टर से, मतलब मोशन वाले चैप्टर से जरा सा भी डर लगता है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखे। जब आप लोग ये वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो पूरा देखने के बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि मोशन वाले चैप्टर को भी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? हम सब लोग लाइव हो चुके हैं, है ना। तो बच्चों, आप लोगों को आज मैं आपका पूरा का पूरा मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। जो भी वीडियो को लाइव देखे तो भी कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, आप रिकॉर्डेड देखिए तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये पूरा कंप्लीट लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, आप नोट लिए, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक माई पाठशाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया जल्दी से डाउनलोड कर लो। यहां पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की कंप्लीट तैयारी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, हर एक चीज को मिला के, हरा। इसके अलावा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक ऐसी बुक, एक ऐसी स्मार्ट बुक जो आपके सपने को पूरा कर सकती है, क्योंकि ये 50 नंबर का पूछा जाएगा तो इसको इस नंबर पर कॉल करके आप बीएससीडी की बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे भाई, बीएससीडी की बुक आप दोनों लैंग्वेज में आ चुकी है, यानी हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग। ओके, तो सब लोग रेडी है? अच्छा, एक बात और सुन लो, आज का जो टॉपिक है ना वो मैंने कैसे लिया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको ये भी क्लियर रहे कि भैया इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ओके, तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखेंगे, क्योंकि आज महादेव का दिन है। और मैं यहां पर जो है फिर से एक बार बता दूं, आज हम लोग जो है महादेव की कृपा से याला जो चैप्टर है काइनामेटिक्स और मोशन वाला चैप्टर है इसको कंप्लीट करने वाला हूं। क्लियर? हरा बिल्कुल। अमित सिंह इंग्लिश वाली आ चुकी है, सेनापति, कुसुम, सारे बच्चे आ चुके हैं। मैं स्टार्ट करूं? देखो, जो भी अभी पूछना है अभी पूछ लीजिए, रोटी जब मैं एक बार पढ़ाऊंगा ना तो मेरा पूरा फोकस आपके पढ़ाने पर ही होगा। कॉपी पेन लेके जरूर रखिए, कॉपी पेन इसलिए लेके रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उसको आप नोट डाउन जरूर करिए पूरे लेक्चर को। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनामेटिक्स। पहले मैं आपको एक दो चीजें समझा दूं काइनामेटिक्स होता क्या है। काइनामेटिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट जिसमें हम पूरी तरह से मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते, गति के बारे में पढ़ते। अरे, इसमें हम लोग आपके बता दें स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा करते हैं, इसमें हमें प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना। बच्चों, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि भैया मोशन हमारे कितने तरह के होते हैं। पहली हेडिंग आपके पास सामने, टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा सर, टाइप्स ऑफ मोशन में जाइए। अब आप मुझे बताओ टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह के होते? तो कहना मेरे दोस्त, मोशन 3 तरह के होते, पहला 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D। सर, 1D मोशन क्या है? तो 1D मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जिसमें x वाला कंपोनेंट, है ना, जिसमें x वाला पैरामीटर वो बदल जाए, एक पैरामीटर बदल जाए, x, y, z, 3x होती है। अगर x वाला बदल जा रहा है परंतु y और z, सर y और z ये दोनों हमारे कैसे रह रहे हैं? कॉन्स्टेंट। सिर्फ x वाला बदल जाए, y और z कांस्टेंट रहे, ऐसे मोशन को 1D मोशन कहते हैं, है ना। 2D मोशन क्या होता है? बच्चों, 2D मोशन का मतलब ये होता है कि x वाला भी बदल जाए, y कंपोनेंट भी बदल जाए। जब x और y दोनों बदल जाते हैं परंतु z हमारा कैसा रहता है? सर, z हमारा कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं 2D मोशन। 3D मोशन क्या होता है? सर, 3D मोशन का मतलब ये होता है कि जब x भी हमारा बदल जाए, y भी हमारा बदल जाए, इसके अलावा ध्यान रखना जेड वाला कंपोनेंट भी हमारा अगर बदल जाता है तो ऐसे को बोला जाता है 3D मोशन। ठीक है, बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? आ जाइए सर, 1D मोशन की बात करते हैं कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन का एग्जांपल क्या होता है?
तो क्या करना, वन डी मोशन के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन होते क्षैतिज मोशन क्षैतिज गति, ये हमारा वन डी मोशन होता है। वन डी मोशन के साथ साथ रखना हमारा जो वर्टिकल मोशन होता है सर, वर्टिकल मोशन वो भी हमारा वन डी मोशन ही होता है। सर टू डी मोशन क्या है, टू डी मोशन में ध्यान रखना दो पैरामीटर बदल जाते हैं। सर दो पैरामीटर बदल जाते हैं, कौन कौन से दो पैरामीटर, एक्स वाई बदल सकता है। तो बच्चों टू डी मोशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का टू डी मोशन होता है। आपने सर्कुलर मोशन का नाम सुना है, वृत्ताकार गति, सर सर्कुलर मोशन भी हमारा कौन सा मोशन होता है, टू डी मोशन होता है, टू डी मोशन। अच्छा आप लोग को यह बता दे एक और मोशन आता है जिसको आप बोलते हैं रोटरी मोशन, रोटरी मोशन। तो याद रखना जब भी कभी हम रोटरी मोशन की बात करते हैं, रोटरी मोशन की, तो मेरा भाई रोटरी मोशन जो होता है वो याद रखना कैसा मोशन होता है, सर वो हमारा 3D, सर्कुलर 2D है लेकिन रोटरी 3D है। अच्छा रोटरी के साथ साथ एक और मोशन होता है, आपने शायद नाम सुना होगा स्पाइरल, स्पाइरल बच्चों इसको हिंदी में भी स्पाइरल ही नाम देते हैं, सर्पिलाकार गति। अरे तो जो तुम्हारी सर्पिलाकार गति होती है सर वो भी ध्यान रखना कौन सा मोशन में आती है, सर वो भी हमारा 3D मोशन में आती है। ठीक है बोलो भाई, अरे सौरभ कैसी बात कर रहे हो, मैं तो भाई यार लाइव पढ़ा रहा हूं दोस्त हैं। चलो आ जाइए, अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें भी बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। हमने मोशन के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन जब हमने मोशन के प्रकार पढ़ लिए तो इसका मतलब क्या है कि हमें मोशन के बारे में आप समझना है। तो आप लोग के सिलेबस में ना मेन क्या है, तो कहना आप लोग के सिलेबस में मेन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो चलिए समझना शुरू करते, यहां तक समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके सारे बच्चे बता दे है ना। चलो अब सबसे पहली जो हेडिंग आती है वो दूरी और विस्थापन, इससे मैं बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करूंगा, मजा आ जाएगा भाई। चलिए सुनिए, तो जब मैं दूरी और विस्थापन की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। बच्चों SHM कौन सा मोशन होता है, मेरे भाई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है सर वो 2D मोशन होता है। अगर कोई पूछे कि SHM कौन सा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमारा एक 2D मोशन होता है, ध्यान रखिएगा। चलो तो जब हम लोग बात करते हैं सर दूरी और विस्थापन की, तो याद रखना जैसे कि मैंने मान लीजिए एक बिंदु यहां पर पॉइंट ए ले लिया, मान लीजिए मैं बिंदु ए से कहां पहुंचा, मैं बिंदु ए से बी पहुंचा, बी से कहां पहुंचा, मैं बी से सी पहुंचा, और सी से मान लीजिए आप चलते चलते कहां पहुंच रहे, डी। फॉर एग्जाम्पल आपने ए से मोशन शुरू किया, ए से बी डे, बी से सी डे, और सी से कहां गए, डी डे। क्लियर, तो बच्चों आपको मैं बता दूं जिस जिस रास्ते पे आप चलते हो हरा सर, उन सारे रास्तों को उठा के जोड़ दीजिए, सर उन सारे रास्तों को उठा के जोड़ दीजिए, यानी आप ए बी की दूरी जोड़ दीजिए, बी सी की दूरी जोड़ दीजिए, और सी डी की दूरी, यानी ए बी बी सी और सी डी जब तीनों आपस में जोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना ये तीनों आपस में जोड़ देने के बाद बताइए क्या बनता है, सर ये तीनों आपस में जोड़ देने के बाद बनता है डिस्टेंस, दूरी। तो आप जिस जिस रास्ते पे गए सर, उन सभी रास्तों को उठा के जोड़ते रहिए, वो हमारा डिस्टेंस है ना। लेकिन अगर ये विस्थापन पूछा जाता कि भैया विस्थापन बता दो क्या है ना, तो विस्थापन के लिए हमेशा ध्यान रखना ये जो फाइनल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट से मिला दीजिए, तो आपका बताया जाए ये हमारा फाइनल बिंदु था डी और ये इनिशियल बिंदु था ए। अगर आपने फाइनल बिंदु को इनिशियल बिंदु से मिला दिया तो ध्यान रखना बताइए वो क्या बन जाएगा, सर वो हमारे लिए विस्थापन बन जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है सर, फाइनल बिंदु को इनिशियल बिंदु से मिला दीजिए, डी और ए को मिला दीजिए, वो हमारा विस्थापन है। सर विस्थापन ना एक तरह की सदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि होती है सर, विस्थापन होती है हमारी सदिश राशि, और सदिश राशि होती है इसीलिए विस्थापन के ऊपर देखो हमने क्या लगाया, एरो लगाया। ठीक है अब दूसरी बात सुनो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आएगा कि दूरी कैसी राशि होती है, तो कहना दूरी एक तरह की सर अदिश राशि होती है, अदिश अदिश हरा। लेकिन अगर यही विस्थापन की बात करते हैं कि बताइए विस्थापन कैसी राशि होती है, तो मेरे भाई विस्थापन हमारी सदिश राशि होती है, सदिश। ठीक है अब आगे आइए बच्चों, दूरी हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होती है, और विस्थापन कैसी राशि होती है सर, विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ध्यान रखना जितनी भी सदिश राशियां होती है उनका मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। यहां तक सब लोग क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान सुनिए
बच्चों जो चली रही डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, जो दूरी होती है डिस्टेंस होती है। सर डिस्टेंस का परिमाण, सर डिस्टेंस का परिमाण हमारे विस्थापन के परिमाण से, सर डिस्टेंस का परिमाण हमारे विस्थापन के परिमाण से बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना। कहने का अर्थ यह है कि दूरी का मान, दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा या बराबर हो सकता है, दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा या फिर बराबर हो सकता है। बच्चा मैं अभी आंसर लगाते दे दूंगा मुकेश, बहुत जल्दी दे दूंगा आंसर लगाते भी उसके, है ना, ठीक है। चलो आपको पता है एक चीज, आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय वहां पर एक दूरी बताने वाली डिवाइस लगी होती है, गाड़ियों में दूरी बताने वाली डिवाइस लगी होती है, और उस डिवाइस को बताइए हम क्या बोलते हैं। सर उस डिवाइस को बोला जाता है ओडोमीटर, ओडोमीटर। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ओडोमीटर क्या नापता है, तो कह देना ओडोमीटर जो है सर वो डिस्टेंस नापता है, दूरी मापता है। हरा ओडोमीटर बताइए क्या नापता है, तो कह देना ओडोमीटर सर दूरी मापता है, डिस्टेंस मापता है। यहां तक बात सबको क्लियर है, जल्दी मुझे बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है। तो दूरी और विस्थापन जितना आपको आसान दिखाई दे रहा है उतना ही कई बार अच्छे अच्छे सवाल भी इसमें बन जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि याली थ्योरी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हरा वेरी गुड, हरा सोमन, अमित, श्रीवास्तव, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, मुझे पता है कि आज महादेव का दिन है, आप सब लोग घूम रहे होंगे, किसी ना किसी के साथ घूम रहे होंगे। हरा तो पहला सवाल देखो लिखा है, किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन के परिमाण और दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए इन्होंने जो बोला है, क्या बोला है सर, इन्होंने बोला है विस्थापन ऊपर रखिए हरा, और बताइए दूरी कहां रखनी है, सर दूरी हमारे नीचे रखनी है। तो विस्थापन और दूरी का बताइए अनुपात क्या होता है, ऐसे तो है। तो आप कहना कि ऊपर विस्थापन है नीचे दूरी है, दूरी हमेशा ज्यादा होती है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो यह वैल्यू एक से कम या एक के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या जाएगा, सर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर, एक से कम या एक के बराबर। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला होगा सही आंसर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, ये लो ये लीजिए, इससे बढ़िया सवाल एग्जाम्पल नहीं हो सकता दूरी और विस्थापन को ढहराने का। मैं हर एक थ्योरी में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी थ्योरी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चल रही है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चल रही है, यदि यह वृत्ती पथ के अनुदेश दो चक्कर पूरे कर लेती है, मान लीजिए वो चलना शुरू करती है यहां से हरा, एक चक्कर पूरा कर ली और फिर दूसरा चक्कर पूरा कर ली, तो बताइए पिंड का विस्थापन कितना। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई कि जब भी तभी इनिशियल बिंदु और फाइनल बिंदु एक होता है, है? जब भी तभी फाइनल और इनिशियल ये दोनों बिंदु एक होता है, सेम होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर जो विस्थापन हो जाता है मेरे भाई वो जीरो हो जाता है, वहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब दो चक्कर पूरे कर लिए तो आने वाला विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो। आंसर अब किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट आइए, लगाइए जरा, अब ये वाला सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल है, मैं थोड़ा आपको समय भी दूंगा याले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सब दूरी और विस्थापन भी बनने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हाँ जीरो एकदम सही है, वेरी गुड इंग्लिश, उमेश, राहुल, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, बोलो एक कार पूर्व दिशा में एक घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलती है और दक्षिण दिशा में 30 मिनट के लिए समान गति से चलती है, तो बताइए प्रारंभिक स्थिति से कार का विस्थापन क्या होगा। बेहतरीन सवाल है। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, आप लोगों को डायरेक्शन तो क्लियर है ना सारी, है ये बताइए क्या होता है सर, ये हमारा होता है नॉर्थ, फिर ये हमारा साउथ हो गया, इसके अलावा ये ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बच्चों कई बार चलने को बोलो स्पीड बता देते हैं, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है एक कार पूर्व दिशा में एक घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड है तो मतलब एक घंटे में 60 चलेगा, बोलो एक घंटे में 60 चलेगा, तो एक घंटे के लिए तो चल रहा है, एक घंटे में 60 चलेगा, एक घंटे के लिए चल रहा है तो एक घंटे में 60 चलेगा, तो पूर्व की दिशा में
कितना चलेगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, पूर्वी दिशा में 60 किलोमीटर। अरे बोलो क्लियर है। अब आ जाइए दक्षिण दिशा में 30 मिनट, दक्षिण नीचे और उसी गति से। तो बच्चों नीचे की ओर जो चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लिए चल रहा है मेरे भाई। 30 मिनट का मतलब होता है सर, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक घंटे में 60, तो आधे घंटे में 30, इसका मतलब यहां पर चली रही दूरी 101% 30 किलोमीटर हो रही। बोलो आ गया ना आंसर हरा, आप मुझे बताओ। तो बच्चों इन्होंने जो बोला है सर ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि बताइए ये विस्थापन कितना हो रहा। अब आप खुद मुझे बताओ, एक 60 है दूसरा 30 है, क्या ये विस्थापन नहीं बता सकते? तो आप निकाल के देख लीजिए सर, ये विस्थापन आएगा 30√5 किलोमीटर। क्लियर है ना? अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लंब दिया गया, आधार दिया गया है और टर्न पूछ रहा है, लंब आधार देता है टर्न पूछ रहा है, तो बताइए आंसर किसके साथ जाए, 80 वाला उत्तर। ठीक है, क्या बात है। अरे देखो आप लोगों ने गलती थी, आप लोगों ने इसका आंसर कौन कौन सा आंसर दिया, 30√2 दिया, 30√2 थोड़ी ना होगा। अरे आप देखो 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर जोड़ के देख लीजिए, यही आएगा। चलो सर आज अनुराग सर की शादी है क्या? नहीं भैया, उनकी शादी बहुत पहले हो गई यार। चलो नेक्स्ट आइए। अब ये वाला देखिए, ये भी तुम्हारा कह सकते हो, यहां सवाल मैं बाद में बताऊंगा, ये औसत वेट का सवाल है। हरा ये औसत वेट का सवाल है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी जब आगे औसत वेट आएगा। ठीक है चलो, अब ये वाला सवाल लगाइए, पहले ये वाले सवाल का आंसर दीजिए। मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं, दूरी और विस्थापन पढ़ाया तो दूरी और विस्थापन में कैसे सवाल बनते हैं। गति के निम्नलिखित में से किस मामले में स्थानांतरित दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होंगे? आपको वो तरीका बताना है जिसमें दूरी और विस्थापन का परिमाण आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या क्या लिखा है। एक तार सीधी सड़क पर चल रही है, दूसरी तार वृत्ताकार पथ पर चल रही है, पेंडुलम इधर उधर जा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें दूरी और विस्थापन बराबर होगा? ठीक है, क्या बात है, आंसर आ गया। हाँ हाँ, क्या बात है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेड का बैच एप्लीकेशन भी वैसे ही चल रहा है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर। ऑप्शन नंबर ए देखो लिखा है कि कार सीधी सड़क पे चल रही है, जब भी कभी कोई भी कार सीधी सड़क पे चलेगी तो उसके द्वारा जितनी भी दूरी होगी सर, सर दूरी और विस्थापन दोनों बताइए हमारे कैसे हो जाएंगे बराबर, दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आइए, ये सब दूरी विस्थापन पे खेल था। अब ये वाला सवाल देखिए, ये भी दूरी और विस्थापन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ताकि मैं आपको हर टाइप के सवाल सॉल्व करा सकूं। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक कर देना अगर मजा आ रही है तो, है, और थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अब ये वाला सवाल सॉल्व करके देखिए, अरे मैं नाम भी पढ़ूंगा उस बच्चे का, बहुत पढ़ा होगा दूरी और विस्थापन, मैं आपको एकदम यूनिक लेवल का पढ़ाऊंगा कि एक साइकिल सवार इस तरह से चलता है कि वो 100 मीटर के बाद 60 डिग्री मुड़ जाता है, मतलब 100 मीटर चलेगा फिर 60 डिग्री मुड़ेगा है। फिर बोला जा रहा है कि जब वे सातवीं बार लेता है यानी सातवीं बार मुड़ता है तो बताइए उसका विस्थापन क्या होगा। 100 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री मुड़ जाता है, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो ये सवाल लगे कैसे, बहुत सारे लोगों को यहां पर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि सवाल की शुरुआत कैसे करनी है। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज पहले समझो, याद करो जब आप लोग हेक्साडोनल बनाते हो, क्या बनाते हो मेरे भाई, हेक्साडोनल बनाते हो। अरे एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड मैं फोन स्विच ऑफ कर दूं जरा। ठीक है चलो बताओ, मान लीजिए मैं आपके सामने एक हेक्साडोनल बना रहा हूं। अरे बच्चों आप लोग जब भी कभी एक रेगुलर हेक्साडोनल बनाते हो, रेगुलर हेक्साडोनल बनाते हो, रेगुलर, रेगुलर का मतलब हो गया कि जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, ऐसे रेगुलर बनाते हो। तो रेगुलर हेक्साडोनल में क्या होता है, अंदर का ये एंगल जो है ये हमारा 120 डिग्री का होता है और बाहर वाला एंगल बताइए कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है एक बार बता दो कमेंट करके। ये बात आप सबको क्लियर है ना कि रेगुलर हेक्साडोनल में बाहर का एंगल 60 डिग्री होता है और अंदर का जो एंगल होता है वो हमारा 120 होता है। अब कैसे सवाल सॉल्व होगा, अब सुनिए, मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है, बिंदु ए पर है, तो आदमी ने 100 मीटर आगे चला, कितने मीटर आगे चला 100 मीटर, बिंदु बी पहुंचा। अब बी से कितना डिग्री मुड़ना है, 60 डिग्री। अरे देखो ना, ए से चलता 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 कहां पहुंचा, बी पहुंचा।
जाना था सीधे, लेकिन मुड़ना कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऐसे मुड़ गया हरा, तो 60 डिग्री मुड़ गया तो बताइए कहां पहुंच जाएगा? सर ये सी पर पहुंच जाएगा। फिर जाना था सीधे, फिर मुड़ जाएगा 60 डिग्री, कहां मिल जाएगा? डी पर पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह से ई पर, इसी तरह से एफ पर, और फिर वापस से ए पर। लेकिन आपको समझना है कि सातवीं बार कहां होगा। तो देखो पहली बार यहां मुड़ा है, ए से चला था तो पहली बार यहां मुड़ा है, दूसरी बार यहां मुड़ा है, तीसरी बार यहां मुड़ा है, चौथी बार यहां मुड़ा है, पांचवी बार यहां मुड़ा है, और छठवीं बार यहां मुड़ा है। सवाल में था सातवीं बार, देख लो चाहे सातवीं बार तो यहां मुड़ेगा वापस से ए पर। तो जब ये सातवीं बार मुड़ेगा तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक का विस्थापन कितना? तो कहना सातवीं बार मुड़ेगा तो यहां से यहां तक का विस्थापन 100 मीटर होगा। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई बात सब क्लियर है ना, समझ आ गया हरा? बच्चों इस बात को समझ लो, और कई फिटर और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन इनके सबके बैच एप्लीकेशन में चल रहे हैं मेरे भाई, लेकिन इनके सिलेबस इतने हैवी होते हैं कि इनके बैच हम लोग यूट्यूब पे नहीं चला सकते। तो जितने भी बच्चे फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं वो सब माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, है ना, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो बच्चों अगर ये सवाल दूसरे तरह से बना तो कैसे लगेगा मेरे भाई? कई बार ये सवाल 72 डिग्री पर आ जाता है, यानी कई बार पेंटागन बना देगा, कई बार जो है कितना क्या, देखो 90 डिग्री वाला सबको पता है कि स्क्वायर बनेगा, तो 90 डिग्री वाला तो सबको क्लियर होता है, लेकिन अगर 72 डिग्री बन जाए, 60 डिग्री बन जाए, समझो बात को, तो आपको याद होना चाहिए कि ये सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो अरे ये वाला सवाल देखिए, लिए फटाफट पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या। अब ये वाला सवाल देखिए, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना सवाल उसका नहीं है। अगर आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन जो है हमारे रीजनिंग का है, नहीं मालिक रीजनिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में विस्थापन नहीं पूछता, विस्थापन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किसमें पूछता है? फिजिक्स में। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, जरा देखते भाई कितने लोग इसका आंसर देते हैं। हरा बच्चों सवाल बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 30 मीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, उत्तर में 30, पूर्व में 20, और अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा में 30√2 चलता है, तो बताइए आरंभ बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा? ठीक है, नहीं भैया कारपेंटर ट्रेड नहीं है, बाकी और ट्रेड है, आरंभ बिंदु से बताइए विस्थापन कितना होगा। अरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहले वो कितना चल रहा है। सर पहले चल रहा है 30 मीटर उत्तर, ये देखो सर पहले वो चल रहा है, इस तरह से मैंने डायरेक्शन बना दी, ऐसे देखिए मैंने डायरेक्शन बना दी, सर पहले वो चल रहा है 30 मीटर उत्तर, फिर 20 मीटर पूरब, फिर 30√2 दक्षिण पश्चिम। हरा तो आपको पता है कि ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या। ठीक है, तो पहला आंसर कुसुम का आया है 0, इतनी देर बाद आंसर दिया जा रहा है। चलो तो देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना आंसर जो दे रहे हैं वो शून्य दे रहे हैं, माफ करिएगा दोस्त, शून्य उत्तर गलत है। शून्य देने वाले पता है क्या कर रहे हैं? वो ये सोच रहा है कि 30 मीटर उत्तर चला तो चलो भैया 30 मीटर इसको उत्तर चला देते हैं, 20 मीटर पूरब चला 20 मीटर पूरब चला देते हैं, फिर वो क्या कर रहा है 30√2, सर 30√2 दक्षिण पश्चिम चला तो 30√2 तो दक्षिण पश्चिम ऐसे कर दे रहे हैं। और मेरे भाई जब वो 30√2 कर दे रहे हैं तो तुरंत कह रहे हैं विस्थापन 0 होगा। अरे यार कैसे 0 होगा मेरे भाई, ये 30 और ये 20, क्या ये 30√2 होगा? इतनी गणित तो रही तुम्हारी कमजोर होनी चाहिए फिलहाल तो। अरे बोलिए तरीका समझ में आ रहा है? अभी तक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसने विस्थापन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया हो, अभी तक भी नहीं है। तो आप पहले मुझे ये बताओ 0 कहने वाले आपकी बुद्धि टूली 30 20 और ये 30√2, ये समकोण त्रिभुज की क्वालिटी नहीं है। अगर ये 30 ये 30 होता तब ये 30√2 होता। बोलिए क्लियर है? अब सवाल ये है कि लगेगा कैसे है, अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है और कहां आप लोग गलती कर रहे हो। यहां तक तो सही था कि भैया 30 मीटर उत्तर चल रहा है 20 मीटर पूरब चल रहा है, अब आप बताओ 30√2 सर 30√2 दक्षिण पश्चिम में चलाना है, अब आप बताओ दक्षिण पश्चिम की दिशा तो ये होती है, ये दिशा होती है, होती है ना? तो बच्चों जब आपको ये ना डिसाइड हो कि 30√2 दक्षिण पश्चिम चलाने के बाद मूल बिंदु पर जाना है, कि मूल बिंदु से आगे जाना है, कि मूल बिंदु से नीचे जाना है, कि मूल बिंदु से ऊपर जाना है, आपको यही तो डिसाइड नहीं हो पा रहा ना। अरे बोलो तो बच्चों यहां पर हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करेंगे,
तरीका क्या? तरीका यह है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 रूट टू चलना है। हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि 30 रूट टू कैसे चले। तो टाट कोई बात रही सर, कोई बात रही, इसको चलने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में 30 चले जाइए, समझ रहे ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चले जाइए, 30 चले जाइए। तो जब आप लोड वर्टिकल डायरेक्शन में 30 जाओगे, हॉरिजॉन्टल में 30 जाओगे, तो ऑटोमेटिक इसका जो टर्न होगा वो कितना बन जाएगा, 30 रूट टू। पहले आप बताइए ये बात सबको पता है नहीं पता? सर एप्लीकेशन लॉग इन नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लॉग इन नहीं हो रहा तो एक टीम का नंबर लिख लो यार, है टीम का नंबर लिख लीजिए 96961024111। बोलिए यहां तक क्लियर है ना? तो अब देखिए, तो मैंने ये कहा कि अगर यहां 30 रूट टू जाना है, नहीं समझ में आ रहा, तो वर्टिकल में 30 चले जाओ, हॉरिजॉन्टल में 30 चले जाओ, ठीक है भैया है। तो अगर ये 30 है तो वर्टिकल में 30 जाएंगे तो यहीं तक ही आएंगे, हॉरिजॉन्टल में 30 जाना, ये 20 है, ये 20 है तो हॉरिजॉन्टल में 30 जाना है तो यहां तक तो 20 हुए, थोड़ा और जाएंगे, तब कहीं जाते ये कितना पहुंचेगा, तब कहीं जाते ये हमारा 30। अब ये 20 है तो ये 10 बचेगा, लेकिन जब आप लोगों को दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना है तो ये डायरेक्शन बन जाएगी सबसे लास्ट वाली डायरेक्शन ये। बोलिए, और ऑटोमेटिक ये एंगल दक्षिण पश्चिम के लिए देख लीजिए 45 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि ये 30 और ये 30। अब तो आंसर दे दो यार है? तो आप बताइए फाइनल स्थिति ये है, तो फाइनल स्थिति 10 मीटर है यहां से ओरिजिन से मूल बिंदु से, कितना है 10 मीटर है, और किस दिशा में है सर, पश्चिम दिशा में है। अरा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अरे बोलो क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्सअप करके बताइए, सबको समझ में आ रहा ना? अरा तो कहने का मतलब यह है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि चैप्टर आ रहा है, चीजें ऐसी सीखिए कि आपके एग्जाम में काम में आ जाए। कई बार ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर यह भी कर सकता है कि यहां पर 20 मीटर ना बोलकर यहां पर 40 मीटर बोल देता ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो बच्चों जब तीसरा 30 रूट टू निकालते वो यहां नहीं आता, तो आंसर उस समय आता 10 मीटर पूर्व दिशा में। तो आपको यह देखना है कि कैसे चलना है, और जब चलना डिसाइड हो जाएगा तब आपका सवाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, अगली थ्योरी है बच्चों। अगली थ्योरी में मैंने आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सेम होता है, मेरे भाई सेम नहीं होता, अंतर है। सुनिए सुनिए, जब हम लोग बात करते हैं स्पीड की, स्पीड क्या है, तो स्पीड के फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना ऊपर जो आता है वो डिस्टेंस आता है, ऊपर जो आता है वो डिस्टेंस आता है, नीचे क्या आता है, टाइम आता है। स्पीड के फॉर्मूले में ऊपर डिस्टेंस आता है, नीचे टाइम, अच्छा सर। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, तो बच्चों ध्यान रखना वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर मेरे दोस्त आता है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे बताइए क्या आता है सर, नीचे आता है टाइम। तो दोनों के फॉर्मूले में नीचे तो टाइम है, लेकिन स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है। चलो अरे जैसे डिस्टेंस अदिश राशि थी, वैसे चाल भी अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि है, और वेलोसिटी, मेरे भाई वेलोसिटी बताइए कैसी राशि है सर, वेलोसिटी हमारी सदिश राशि है। अच्छा वेलोसिटी सदिश राशि है, बिल्कुल। अगर मेरे भाई वेलोसिटी सदिश राशि है तो इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना स्पीड का मान कैसा होता है सर, स्पीड का मान हमेशा मेरे भाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सर हेलो सर, एलपी के लिए कौन सा बुक ले ले प्लीज सर बताइए। अरे मेरे भाई मैं अभी पूरा बताऊं, उससे अच्छा यह है कि आप टीम को फोन कर लीजिए, हरा 8081300046 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, फोन कर लीजिए, वो सब जानकारी आपको दे देंगी। हम सब लोगों ने ये सब कर रखा है ना, हरा। चलो अब दूसरी बात सुनो बच्चों, यहां पर ना स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आ चुका, जिस तरह से स्पीड, कमेंट देखते रहो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस बड़ा था, उसी तरह से ध्यान रखना स्पीड और वेलोसिटी में ध्यान रखिएगा, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सर, स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या फिर बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़े,
आगे आइए बच्चों, इसके बाद आप लोगों को मैं एक दो चीजें समझाऊं, उसके बाद ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल दिया है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए चित्र में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि क्या है। मान लीजिए बिंदु ए से कोई पार्टिकल, कोई कण बिंदु ए से चलते हुए बिंदु बी पर जाता है, बिंदु ए से चलते हुए बिंदु बी पर जाता है, और इसकी जो त्रिज्या है आप मुझे बता दो, इसकी त्रिज्या मान लीजिए मैंने कह दिया 14 सेंटीमीटर है। हरा एक एग्जांपल है ताकि आपको समझ में आए कि इस दूरी और चाल और वेग अलग अलग होते, चाल और वेग अलग अलग होते। मान लीजिए कोई पार्टिकल बिंदु ए से शुरू करता है मोशन और कहां तक जाता है, बिंदु बी तक। त्रिज्या कितनी है सर? त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो कहना सर दूरी क्या बनेगी? भैया दूरी बनेगी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस दूरी है, तो दूरी हो जाएगी आधी परिधि, और आधी परिधि होती है किसी वृत्त की पाई आर है। और मेरे भाई विस्थापन क्या बनेगा? विस्थापन बनेगा ये दूरी, और विस्थापन होता है मेरे भाई सर, विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आर, और आर सर ये हो जाएगा 2R है ना। चलो अब जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर ए से बी जाने का समय 2 सेकेंड हो, अगर ए से बी जाने का समय 2 सेकेंड हो तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का चाल और वेग कितना आएगा, बोलो। अरे कोई बात नहीं, योगेश मिश्रा निकाल दो भैया, वो हमारी तरफ से नहीं आता, वो सब यूट्यूब की वजह से आता है। ठीक है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो, तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे सर इसका चाल और वेग क्या होगा। तो कहना चाल निकालना है तो ऊपर तुम्हारा रखना पड़ेगा दूरी पाई आर, नीचे समय हरा। वेट निकालना है तो ऊपर रखना होगा विस्थापन 2R, नीचे समय। बोलिए चलो जल्दी से मुझे बताओ, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 14, तो बच्चों 44 ऊपर हो जाएगा 44, और समय हो जाएगा 2 सेकेंड हरा। 44/2 सर, 44/2 कितना होता है सर? 44/2 होता है 22 मीटर पर सेकेंड सर, चाल आ रही 22 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर विस्थापन निकालना है तो 2, आर की वैल्यू 14, समय की वैल्यू मैंने 2 सेकेंड कह दी, तो आप देख लीजिए वेट, वेट का मान आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो अंतर है ना, अंतर है। तो भैया चाल और वेट अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। चलो अब आप जल्दी से बताओ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, स्पीडोमीटर से क्या निकालते बच्चों? ध्यान रखना स्पीडोमीटर आपकी गाड़ियों में लगा होता है, वो स्पीड बताता है, लेकिन कौन वाली स्पीड बताता है? तो पहली बात तो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं। लेकिन स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। हिंदी में ध्यान रखना इसको बोलते हैं तात्कालिक चाल। तो कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि स्पीडोमीटर क्या बताता है, तो कह देना ये वेलोसिटी नहीं बताता, डायरेक्शन नहीं बताता है, वो आपको स्पीड बताता है। ठीक है चलो, तो ये आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब जरा जल्दी से फटाफट याले सवाल को भी लगाते देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। सर आप कौन से स्टेट से लाइव है? बच्चा मैं उत्तर प्रदेश से लाइव हूं है ना। बच्चों अभी मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको डिटेल बताया, अब आप जल्दी से ये वाले सवाल को सॉल्व करके देखिए। एक कण की आकृति में दर्शाए गए 25 मीटर का स्क्वायर है, ए से बी, बी से सी, सी से डी के साथ 15 मीटर पर सेकेंड की चाल, चाल इन्होंने दे दी 15 मीटर पर सेकेंड की चाल है, और औसत वेट पूछा जा रहा है। बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल। मतलब एक पार्टिकल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ए से पहले बी दिया, बी से सी दिया, सी से डी, हमें समय नहीं दिया लेकिन हमें चाल दे दी, स्पीड दे दी 15, और वेट पूछ रहा है। बोले तो बच्चों जब समय को छुपा लिया जाए तो आपको पता है सवाल कैसे अटेम्प्ट करना होता है? सर बहुत आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकते, इसके लिए आपको बस इस वाले डायग्राम में एक बार दूरी बतानी होगी, एक बार विस्थापन, सिर्फ दिमाग में रखिए है। तो कहना अगर दूरी बताई जाएगी तो 25 25 25 75, दूरी 75 है, ये बात सबको समझ आए। विस्थापन कितना है? तो ए से डी तक का विस्थापन 25। आप पहले मुझे बताओ दूरी और विस्थापन सबके माइंड में क्लियर हो गया? ठीक है सर, चलो बताओ सर चाल, चाल 15 है, चाल के फॉर्मूले में क्या आता है? तो कहना चाल के फॉर्मूले में आगे दूरी आता है, दूरी है 75, दूरी है 75, या फिर आप सीधा सीधा यहां पर पहले एक बार चाल लिख दो, चाल के फॉर्मूले में 75 आ जाएगा, दूरी आता है।
सर वेट, वेट के फॉर्मूले में क्या आता है? विस्थापन। विस्थापन कितना है सर? 25 है। विस्थापन कितना है सर? 25 है। हरा यहां तक किसी बात को कोई दिक्कत रही? चलिए जल्दी से दोनों का डिवाइड करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 75 बटे 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 3, 25 थी 75। चाल की वैल्यू 5 और आप देखिए यहां से वेट का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप निकाल के देख लीजिए कि वेट का मान कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना प्यारा सवाल था। ठीक है तो बच्चों इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए। सबको क्लियर हो गया ना, चाल और वेट में डिफरेंस होता है, सेम मत रखिएगा, है ना। अब बच्चों जब आपके एग्जाम में सवाल आता है ना, तो आपके एग्जाम में सवाल औसत चाल का भी बहुत पूछा जाता है, तो पहले तो आप लोगों को औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बताइए कॉपी में क्या पड़ जाएगी। सर नेक्स्ट हेडिंग पड़ जाएगी एवरेज स्पीड। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके आप एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों यहां पर हम लोग अगली हेडिंग में बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत, औसत वर्ड कहां यूज करते हैं? तो कहना औसत वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पर चीजें बदल रही होती है, है? आपके हाई स्कूल में देखो हिंदी में 50 नंबर आए, गणित में 80 नंबर आए, उसके अलावा साइंस में, भौतिक विज्ञान में अलग अलग नंबर आए। तो लेकिन जब आपसे कोई पूछता है कि भैया तुम्हारा कितना परसेंटेज आ गया, तो तुम क्या अलग अलग बताते हो? नहीं सर, तुम तो एक एवरेज बताते हो ना। तो औसत वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पर कोई चीज अलग अलग हो रही होती है। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए मुझे, सर मान लीजिए मुझे बिंदु ए से जाना था डी की ओर। मुझे बिंदु ए से कहां जाना है? डी की ओर जाना है, है? लेकिन पहले मैं बिंदु ए से बी दिया, बी से सी दिया और फिर सी से डी दिया। लेकिन जब मैं ए से बी जाता हूं ना, तो उस समय मेरी स्पीड होती है v1, बी से सी जाता हूं तो स्पीड होती है v2, और सी से डी जाता हूं मेरे भाई तो स्पीड होती है v3। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बता दो, मान लीजिए ए से बी चली रही दूरी x1, बी से सी चली रही दूरी x2 और सी से डी चली रही दूरी x3। एक और टर्म माना जाएगा, ए से बी लगा समय t1 है, बी से सी लगा समय t2 और सी से डी लगा समय t3। देख लो हमने कुछ नहीं किया, हमने अलग अलग दूरी मान ली, अलग अलग समय मान लिया और मेरे भाई अलग अलग स्पीड मान ली। चलो भैया औसत चाल बताइए क्या होती है। तो कहना जब भी कभी आपको औसत चाल निकालना हो, एक ही फॉर्मूला हर बार लगाया जाता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस आप ऊपर रख दीजिए मेरे बच्चों, और याद रखिएगा टोटल टाइम हमारा कहां रखिए? नीचे। टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल टाइम नीचे। अच्छा सर टोटल डिस्टेंस बता दो जरा एक बार क्या है। तो कहना x1 x2 x3 तो ये सर टोटल डिस्टेंस हो गया है, ये सर टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? सर टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। जब भी कभी आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो याद रखना वो हमारा क्या निकलाएगा? औसत चाल निकलाएगा, है ना। मैं ये सब बातें भी बताऊंगा सूरज, है ना। अभी तो फिलहाल तो हमने ये बोला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लीजिए। सर जैसे ही आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपको औसत चाल पता चल जाएगा। चलो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने से औसत चाल पता चलता है। ये वाला एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, बताइए जल्दी से सवाल का सही आंसर किसके साथ जाने वाला है। हरा फटाफट पढ़िए और बताइए सवाल का सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक तो कर दो कम से कम। ए से बी एक कार की औसत गति 20 मीटर पर सेकेंड है, बी से सी 15, सी से डी 10, मतलब तीन रास्ते हैं इनकी औसत गतियां दे दी, और ए से डी तक की औसत गति क्या है? यदि इनमें लिया गया समय जो है 20, 10 और कितना है 15 5 सेकेंड है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए सवाल क्या। सर इन्होंने जो बोला है कि ए से बी इन्होंने पहले औसत गति कितनी बोल दी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। सर बी से सी की औसत गति कितनी बोल दी 15 मीटर पर सेकेंड, और सी से डी की औसत गति कितनी बोल दी 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इन्होंने तीनों रास्ते की अलग अलग औसत गति बोल दी, और फाइनली बोला जा रहा है कि जब ए से डी आता है तो ए से डी की औसत गति बताइए।
ए से डी की। लेकिन एक चीज इन्होंने और बोली है सर, इन्होंने एक चीज और बोल दी कि आपका इनके द्वारा यानी ए से बी में लिया गया समय 20 सेकेंड है, और बच्चों इसके बाद ये वाले पोर्शन में लिया गया समय 10 सेकेंड है, हरा, और ये वाले पोर्शन में लिया गया समय बताइए कितना है सर, 5 सेकेंड है। तो मैं कुल मिलाकर जो पूछ रहा है वो ए से डी तक की औसत गति पूछ रहा है। बोलिए लगेगा सर? लग जाएगा। कैसे लगेगा पूछ रही करना, फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पूरा ए से डी तक की औसत गति निकालनी है तो टोटल दूरी ऊपर और टोटल टाइम नीचे, हरा। सर टोटल टाइम तो मुझे समझ में आ रहा है, 20, 10 और 5, ये सर टोटल टाइम हो गया 20, 10 और 5, लेकिन टोटल डिस्टेंस कैसे? अब देखो, 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 सेकेंड में कितना, 400 मीटर, हमें 400 मीटर की दूरी ऊपर रखनी होगी। 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 10 सेकेंड में 150 मीटर, 150 मीटर और रखना होगा। 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 5 सेकेंड में 50 मीटर, ठीक है। लो आंसर आ गया, अरे यार आंसर, ठीक है। तो बताइए उत्तर किसके साथ जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ू तो जोड़ने के बाद बताइए कितना आ जाएगा, 600 और नीचे हमारा 35। अब आप जल्दी से बताओ 600 बटे 35 कितना आएगा, तो कहना मेरे दोस्त अरे 600 बटे 35 डालेंगे तो ना वो 15 आएगा, ना वो 10 आएगा, ना 45 आएगा, आप क्या चेक कर लो आए। तो 600 बटे 35 हर हाल में ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 600 बटे 35, कई बार क्या होता है ना कि हमें ऑप्शन देखना नहीं होता, हमें यह समझना होता है, सॉल्व निकालना होता, हमें यह समझना होता है कि क्या उत्तर आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अभी बताता हूं कि जब दूरी समान होती है तब क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और जब हमारा समय समान होता है तब क्या। देखो अभी अभी मैंने औसत चाल का सबको फॉर्मूला बता दिया सर, औसत चाल का फॉर्मूला था टोटल दूरी बटे टोटल समय था ना, है ना। लेकिन इसमें दो केस आते, टेक्नीशियन का नोटिस आ गया मुझे नहीं पता है, अगर आ गया होगा तो मैं थोड़ी देर में वीडियो कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी क्लास चल रही है, तो अभी क्लास का एंजॉय करते है ना, थोड़ी क्लास को खत्म होना भी तो बाकी है, ठीक है। चलो अभी नहीं आया नोटिस भैया, चलो अब बताइए बच्चों, ध्यान रखना टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है, लेकिन अगर यात्रा में दूरी समान हो, दूरी समान होने का मतलब यह है कि जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में x1, x2, x3, x4 ये सब बराबर हो जाए, जब ये बराबर हो जाती है तो याद रखना उस समय औसत चाल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है सर, दो के लिए लगता है 2v1v2/v1+v2, ये फॉर्मूला दूरी समान होने की कंडीशन पे होती है, लेकिन तब जब सिर्फ दो पैरामीटर हो, लेकिन अगर यही तीन पैरामीटर होते, तो याद रखना उस समय सर, उस समय जो है फॉर्मूला यूज होता है 3/1/v1+1/v2+1/v3, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूले कब इस्तेमाल करने, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं कब, जब आप लोगों की दूरी समान हो, लेकिन अगर ये समय समान हुआ हरा, तो मेरे भाई समय समान होने का मतलब ये हुआ कि अगर सर t1 = t2 = t3 हो जाए, हरा, समय समान हो, तो याद रखना समय समान होते समय जब हम लोड एवरेज स्पीड निकालते हैं तो दो के लिए फॉर्मूला लगेगा v1 + v2/2, और इसके बाद आप देखिए सर, अगर यही तीन पैरामीटर होते तीन, तो तीन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता v1 + v2 + v3/3। तो आप लोग को एक फॉर्मूला नहीं रटना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, नहीं भाई ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसके अलावा ना ये भी आपको याद करना है कि जब समय समान हो तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जब दूरी समान हो तो ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब इसी पर आधारित हमारा पहला सवाल, हरा, पहला एग्जाम्पल फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताइए, इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए, बड़ा प्यारा सवाल है। और बताइए कई बार आपको बोले रहे नहीं कि दूरी समान है कि समय समान है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि भैया क्या चीज समान है। चलो बताइए है ना, तो बच्चों आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, एक सवाल आपके सामने है,
सर फीडर का समझा देटर, फीडर देटर नहीं, फीडर का एग्जांपल देटर समझा दीजिए। अरे फीडर वाले सवाल भी आ गए हैं, आप परेशान मत होइए, मैंने इसमें ना हर टाइप के सवाल लिए हैं, लेकिन एक एक टाइप से आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपको बता दूं, वो जो ड्राफ्ट वाले सवाल आते हैं वो भी आगे लिए रहे। सवाल देखिए, राम अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्कूल से घर 60। तो मेरे भाई ये बताओ, जितनी देर में वो घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, जितनी देर पढ़ाई करेगा, तो क्या घर और स्कूल के बीच की दूरी बदल जाएगी? नहीं। तो जब भी तभी हम लोग घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दिल्ली से बंबई, बंबई से दिल्ली, तो बच्चों ऐसे कंडीशन में दूरी समान होती है, और दूरी समान होने की कंडीशन में मैंने आपको बताया कौन वाला फॉर्मूला बताया, 2v1v2 / v1+v2, ये वाला फॉर्मूला दूरी समान होने की कंडीशन में है। तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? सर आंसर में v1 की जगह 40, v2 की जगह 60 और नीचे हो जाएगा 40 + 60। बोलो आंसर क्लियर हो गया सबको? हरा बच्चा ड्राफ्ट वाले क्वेश्चन अभी आगे है, आप परेशान मत होइए। हरा लेकिन एक ही चीज करेंगे ना, अब बताओ आंसर किसके साथ जाएगा? तो बच्चों ये 40 और 60 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो 101% इस सवाल का सही आंसर 48 किलोमीटर/आवर आना चाहिए, छोटी दूरी समान है, हैं? चलो नेक्स्ट आइए, ये सवाल का सही उत्तर होगा। एक एग्जांपल मैंने दूरी समान वाला दे दिया, अब बच्चा एक एग्जांपल दो है, ये हमारा देखी टिस्टा है, बताइए इस सवाल में दूरी समान है कि समय समान है? बोलो, कोई कार अपनी यात्रा की एक तिहाई दूरी, सर एक तिहाई दूरी V1 चाल से और शेष दूरी V2 चाल से तय करता है, तो बताइए यात्रा की औसत चाल क्या? अरे भाई अब सुनिए, सर इन्होंने बोला है एक तिहाई दूरी को, सर 1/3 दूरी को बताइए किस चाल से तय करता है? V1 स्पीड से। अरे और बच्चों शेष से कितना होगा? सर शेष हो जाएगा 2/3, उस दूरी को बताइए किससे तय करता है? V2 चाल से। तो बताइए यात्रा की औसत चाल क्या है? तो बच्चों यहां पर ना कई बार ऐसा हो रहा, ना दूरी समान हो रहा, ना समय समान हो रहा। बच्चों देखो 1/3 दूरी V1 चाल से, 2/3 दूरी V2 चाल से, तो याले सवाल में ना दूरी समान है ना समय समान है, और जब दूरी और समय समान नहीं होता तो हमें बेसिक तरीका ही इस्तेमाल करना होगा। अच्छा बेसिक तरीका क्या हो रहा है इसका? मेरे भाई 1/3 2/3 है, तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल दूरी को वो मानते हैं जो 1/3 और 2/3 से कट जाए। बेसिक साइज ड्राइंग का इंग्लिश वर्जन तैयार हो गया? हाँ भैया तैयार हो गया, एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1/3 और 2/3 को काटने के लिए हमने टोटल दूरी 3 किलोमीटर मान ली। बच्चों 3 किलोमीटर का 1/3 कितना होगा? तो कहना 3 किलोमीटर का 1/3 1 किलोमीटर, वो तय किया जा रहा है V1 चाल से, और 3 किलोमीटर का 2/3 कितना होगा? 2 किलोमीटर, वो तय किया जा रहा है V2 चाल से। तो बताइए यात्रा की औसत चाल क्या है? तो आप बता रहा यात्रा की औसत चाल निकालना है मेरे भाई, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? कुल दूरी 3 किलोमीटर ऊपर और यहां का समय प्लस यहां का समय, टोटल समय रखना होगा नीचे, टोटल समय यहां। तो आप बताओ समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, हाँ। तो समय T1 निकालना है तो दूरी बटे चाल कर दो, समय T2 निकालना है तो दूरी बटे चाल कर दो। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 1/V1 + 2/V2। बस एक छोटी सी कलम और चलानी होगी, इसको आगे सॉल्व कराना होगा, और बच्चों जैसे ही सॉल्व करा देंगे तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? सर 3V1V2 / V2 + 2V1। तो जब कुछ भी समान नहीं होता, जब कुछ भी समान नहीं होता तो हमें जनरल फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सर कितनी लैंग्वेज में आपके बुक है? मेरे भाई दो ही लैंग्वेज में, हिंदी में है, इंग्लिश में, और वो भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक और फिजिक्स की बुक, ये दो बुकें मेरी चलती है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। पहले आप बताओ जल्दी से ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया? दूरी और विस्थापन मतलब औसत चाल औसत वेग कैसे निकालते, क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट जल्दी से याले सवाल का डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, है ना, याले सवाल का डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? क्या बात है, वेरी गुड योगेश मिश्रा, है ना, कह रहा है कितनी लैंग्वेज है भैया? मुझे 80 लैंग्वेज आती है, कोई बंगाली या फिर कोई भोजपुरी
या फिर कोई पंजाबी लैंग्वेज में किताब मांगेगा तो उस लैंग्वेज भैया मेरी किताब नहीं है, सिर्फ दो लैंग्वेज में, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। ठीक है, चलिए ये वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाइए। एक कार तय की गई दूरी था 2/5 भाग V1 चाल से और शेष 3/5 भाग V2 चाल से, तो बताइए औसत चाल क्या? आंसर आ गया, क्या बात है, कैसे लगाया बच्चों? 2/5 से ही क्लियर हो गया कि आपको कुल दूरी कितनी माननी है। सर कुल दूरी माननी है आपको 5 किलोमीटर, तो बताइए 5 किलोमीटर का 2/5, 2 किलोमीटर यह तय किया जा रहा है V1 चाल से, और 3/5 यानी 3 किलोमीटर यह तय किया जा रहा है V2 चाल से। हमें औसत चाल बतानी है ना, तो आप मुझे बताओ औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना अगर आपको एवरेज स्पीड बतानी है मेरे भाई, तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर ऊपर टोटल समय, अब यहां का समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, हो जाएगा ना, और यहां का समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, ये देखो आप बताओ इसको सॉल्यूशन करने से क्या आंसर आएगा? तो कहना इसको सॉल्यूशन करने से एक ही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर 5 है ना। फिटर ट्रेड की बुक कहां से ले बच्चा? बुक टू ऑर्डर करने के लिए 8081-88-0046 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी डिटेल होती है ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश चाहिए क्या आइए हरा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग मेरे भाई, इस हेडिंग को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन, सर वेग में परिवर्तन है ना। अब शुरू उदाहरण से, वेग में परिवर्तन क्या है? सर आपको कानपुर के चुनाव मैदान में आना चाहिए, ठीक है दोस्त, मैं ट्राई करूंगा कभी। बच्चों एक्सेलेरेशन ना फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसने त्वरण को अच्छे से समझ लिया, समझ लेना उसे फिजिक्स आ गई। एक्सेलेरेशन क्या होता है? तो पहले आपको मैं बता दूं, जब मैं एक्सेलेरेशन की बात करता हूं तो त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी में परिवर्तन बटे समय, मतलब प्रति सेकेंड 8 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है। सर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है वही त्वरण है, एक्सेलेरेशन है ना। एक्सेलेरेशन का वेक्टर फॉर्म बनाना है तो एक्सेलेरेशन के ऊपर वेक्टर लगाना होगा और वेलोसिटी में परिवर्तन के ऊपर लगाना होगा। ठीक है सर, एक्सेलेरेशन कैसी राशि है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, त्वरण हमारी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो कहना जब हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, बच्चा बहुत लंबा कमेंट किया, मैं एक बार पढ़ लेता हूं है ना। इस बार एएलपी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों लेवल क्या रहेगा किसी को नहीं पता, योगी सर को छोड़कर सभी टीचर 2018 और 19 का लेवल मैं क्यों नहीं रख रहा हूं, उसका रीजन है 2019 में ग्रुप डी का पेपर जैसा हुआ क्या 2022 में वैसा हुआ? नहीं हुआ। आपका सवाल आया नहीं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आने वाले जो क्वेश्चन है उनको भी लेके चल रहा हूं ना। चलो तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो आप मुझे बताइए मात्रक क्या बन जाएगा? तो धारकना एक्सेलेरेशन का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और डायमेंशन कोई पूछे तो कह देना डायमेंशन होता है L T T पावर माइनस टू। ठीक है, अब बात करो बच्चों एक्सेलेरेशन के बारे में, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनो। सर एक्सेलेरेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है उसको सुनिए। जैसे मैंने कहा कि किसी बॉडी का त्वरण सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मैंने कहा किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं ना। बोलो बोल सकते सर, इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक्सेलेरेशन 5 का है तो 8 सेकेंड में सर 8 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगी, सर 8 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। आप सब लोग हो सके तो इस बात को मेरे साथ बोलिए। सर टेक्नीशियन का सिलेबस चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मैं अभी वीडियो कर दूंगा इस पर है, मैं पूछ लेता हूं एक बार, अगर कुछ ऐसा है तो कर देते हैं वीडियो भी, कर देंगे उस पर। पहले आप बताइए ये बात सबको क्लियर है? नतीश सर को फोन करके पूछो टेक्नीशियन का सिलेबस के बारे में मुझे डिटेल दे दे। ठीक है बच्चों, अगर एक्सेलेरेशन 5 है तो इसका मतलब 8 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? सर 8 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलेरेशन का मतलब होता है हरा। बच्चों इसका ना सबसे बड़ा इंपैक्ट सुनिए, इससे सवाल कैसे लगाया जा रहा है वो भी डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा कि किसी पिंड की प्रारंभिक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा सर उसमें आने वाला त्वरण, सर उसमें आने वाला त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बताइए 10 सेकेंड बाद उसकी अंतिम वेलोसिटी कितनी होगी? ऐसे सवाल आते हैं, और ये सारे के सारे सवाल आप गति के समीकरण से सॉल्व करते हो,
करते ना, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट लगाना सीखेंगे। बच्चों ये डायरेक्ट लगाना सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन की वजह से, मैं बताता हूं कैसे। सुनिए बच्चों, अभी अभी मैंने एक्सेलेरेशन का मान बताया कि एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन 5 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 5, एक्सेलेरेशन 10 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 10। तो बच्चों अगर एक्सेलेरेशन 2 है तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी? 2। आहा, 1 सेकंड में 2। अच्छा सर, 1 सेकंड में 2 बढ़ी तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 20। अरे भाई 20 बढ़ेगी, पहले थी कितनी? 5, बढ़ी कितनी? 20। तो बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी 25। बस इतना छोटा सा काम करना है, किसी भी सवाल को आप पढ़ते 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 आंसर दे दो, भैया इसका आंसर ये है ना। और ये सीट लीजिए, बड़ा स्पीड लाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए जल्दी से सर, एक छोटा सा पॉइंट और, यहां पर तीन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये तीनों पॉइंट जो है आप ध्यान से सुनिए। तीनों पॉइंट क्या सर? तीनों पॉइंट में ये है कि अगर एक्सेलेरेशन का मान, सर अगर एक्सेलेरेशन का मान कैसा आ रहा है मेरे भाई? अगर एक्सेलेरेशन का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेलेरेशन का मान पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे बुक कहां से ले अमित, मैंने नंबर दिया तो मैं कितनी बार नंबर दूं भैया? 8081 00 46, आप सब लोग एक दूसरे के कमेंट देख लिया करो, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, किताब मिल जाएगी। और बच्चों अगर एक्सेलेरेशन का मान निगेटिव है तो वेलोसिटी हमेशा घटेगी, और अगर एक्सेलेरेशन का मान मेरे भाई जीरो है, एक्सेलेरेशन कैसा है? जीरो, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक्सेलेरेशन का मान पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, सर एक्सेलेरेशन का मान निगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, और एक्सेलेरेशन का मान जीरो है तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है भैया, क्लियर है? जल्दी बताइए ये बात सबको क्लियर है ना। अब देखो एक्सेलेरेशन के साथ साथ हम लोगों को गति के समीकरण इस्तेमाल करना सीखना है। तो जब हम लोग न्यूटन के लिए गति के समीकरण की बात करते हैं तो याद रखना गति के तीन समीकरण होते हैं, और तीनों समीकरणों को आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में भी पढ़ना है, सर तीनों समीकरण को आपको वर्टिकल मोशन में भी पढ़ना है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं टीम को बोल दूंगा राम बाबू वैलिडिटी बढ़ा देने, एक बार मुझे जब कल दोपहर के 12 बजे के बाद फोन करना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो गति के समीकरण, तो गति के कितने समीकरण होते हैं? तो कहना गति के तीन समीकरण होते हैं, और ये तीनों समीकरण जो है हमारे कह सकते हो मोशन के सभी सवालों को सॉल्व कर देते हैं। हरा बच्चों, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तीन होते हैं उसी तरह से ध्यान रखिएगा सर वर्टिकल मोशन के लिए भी तीन होते हैं। सर मनजीत सिंह भी तैयारी करता है, अच्छा ठीक है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन में गति का पहला समीकरण क्या होता है? वी बराबर यू प्लस एटी, ये पहला है। और दूसरा ध्यान रखना एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा है। और याद रखना गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीसरा है। गति के तीनों समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तीन समीकरण के साथ साथ एक चौथा आपको फॉर्मूला और याद करना है। हालांकि चौथा फॉर्मूला जो है वो टीवे सेकेंड में चली रही दूरी है, टीवे सेकेंड में है ना। तो जब भी कभी आपको एनवे या टीवे सेकेंड में चली रही दूरी पूछता है तो याद रखना टीवे सेकेंड में चली रही दूरी, उसका फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ ए, यू प्लस हाफ ए, और बताइए क्या होता है आगे? टू टी माइनस वन। यू प्लस हाफ ए और आगे बताइए क्या होता है? टू टी माइनस वन। हरा आपको पता है ये जो गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका एक रूप और होता है, और ये बच्चों जो रूप मैं बताने वाला हूं ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, उसका यूज सबसे ज्यादा है। याद रखना गति के दूसरे समीकरण का मेरे भाई एक रूप और होता है एस बराबर प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी का औसत इंटू टाइम, एस बराबर प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी का औसत इनटू टाइम, ये भी एक रूप है जो हमारे गति के समीकरण का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ सारे क्लियर हो गया ना। चलो तो पहला वाला समीकरण हो चुका है, दूसरा वाला समीकरण हो गया, दूसरे वाले समीकरण का दूसरा रूप हो गया, यह हमारा तीसरा वाला समीकरण हो गया, यह हमारा चौथा वाला समीकरण। सर इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं बच्चों? एक तो सवाल ये इक्वेशन नाम न्यूमेरिकल से आता है,
और कई बार ये सवाल आता है कि पहला सेमीटर, दूसरा सेमीटर, तीसरा इक्वेशन किसके बीच में संबंध बताता है, है ना। देखो ध्यान सुनो, ये पहला वाला जो है ये संबंध बताता है वेलोसिटी और टाइम के बीच। इसको नोट डाउन कर लेना सर, पहला वाली जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध बताता है, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, है ना बच्चों। इसके बाद तीसरी वाली इक्वेशन, ये थर्ड वाली इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन समय बताती है वेलोसिटी और विस्थापन के बीच, एक्सीलरेशन कहीं नहीं लेना होता है, वेलोसिटी और विस्थापन के बीच। और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है सर, सेकेंड वाली इक्वेशन आपको रिलेशन बताती है इसके बीच सर, विस्थापन और समय के बीच, जिसको आप कई बार स्थिति और समय बोलते हो। तो कौन सी इक्वेशन हरा, कौन सी इक्वेशन जो है किसमें समीट संबंध बताती है, यह बात आप सब लोग क्लियर होना चाहिए सर। पहला वाला बताती है वेट और समय के बीच, दूसरा वाला स्थिति और समय के बीच, तीसरा वाला वेट और स्थिति के बीच, ठीक है। चलो अरे बच्चों, जब यही तीनों समीकरण हम वर्टिकल मोशन के लिए पढ़ते हैं तो वर्टिकल मोशन के लिए पहला समीकरण हो जाता है v बराबर u प्लस gt, v बराबर u प्लस gt, ये हमारा पहला समीकरण हो जाता है ना। और आप मुझे बताइए अगर इस दूसरा समीकरण की बात करते हैं कि दूसरा क्या हो जाता है, तो दूसरा समीकरण हो जाता है तुम्हारा एच बराबर, यहां पर एच आ जाता है एच, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा आ जाता है। और बच्चों अगर तीसरे समीकरण की बात करते हैं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यह हमारा कह सकते हो कि यह हमारा तीसरा वाला समीकरण आ जाता है। बोलिए जल्दी बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही हरा। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया, मैं जो देख पा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों को एक काम करते हैं, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है हरा, इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। और मैं क्या करता हूं कि अभी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है तो कल के टॉपिक में मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आया तो था वैसे पूरा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चूंकि टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है तो मुझे कर देना चाहिए हरा। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा कॉपी में कहीं पर, ठीक है। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इतना जो कुछ मैंने आप लोग पढ़ाया है ये आप लोग अपनी जगह पर जो है नोट डाउन करना। अभी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा कि एक बार सब पूरा डिटेल आपको समझा दूं अच्छे से, क्या है डिटेल क्या नहीं है हरा। 29 साल को पूछा है, अच्छा ठीक है भाई, मैं इसका जो है नोटिफिकेशन आपको एक बार कर दूं, फिर लाइव अभी आते हैं हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।